हमारा सुकून तब गायब हो जाता है जब एक छोटा सा मच्छर आकर हमें काट लेता है और हम बेचैन हो उठते हैं। विभिन्न शोधों में पाया गया है कि करीब 20-25% लोगों को आम लोगों से ज्यादा मच्छर काटते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही मच्छर अपने संभावित शिकार की ओर बढ़ता है, इसका मैक्सिलरी पल्प जो कि मच्छर का एक एंटीना युक्त अंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को 150 किलोमीटर दूर से पहचानने में मदद करता है। अब जैसा कि हम सभी सांस लेते हुए गैस का उत्सर्जन करते हैं, मच्छर आसानी से हम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों तक इनकी पहुंच ज्यादा होती है, जैसे गर्भवती महिलाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भवती महिलाओं की मेटाबॉलिक रेट यानी कि चयापचय क्रिया की दर तेज होती है और वो सांस छोड़ते समय 21% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करता है। मच्छरों के आकर्षित होने का एक अन्य कारण गंध भी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ गंध ऐसी होती है जिससे आकर्षित होने से मच्छर खुद को रोक नहीं पाते। व्यायाम और टहलते समय लोग ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड या अमोनिया का उत्पादन करते हैं। ऐसे में शरीर से निकलने वाली गंध मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करती है। एक रिसर्च में ये कहा गया है कि अल्कोहल भी मच्छरों को आकर्षित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बियर पीता है तो उसके पसीने में इथेनॉल की मात्रा बढ़ जाती है और ये मच्छरों को आकर्षित करता है। हमारी त्वचा पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया शरीर से आने वाली गंध को काफी हद तक निर्धारित करते हैं। शोध बताते हैं कि मच्छरों की अलग अलग प्रजाति शरीर के अलग अलग हिस्सों की ओर आकर्षित होती है। कुछ मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण सिर और कंधों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं दूसरे मच्छर पैर और एड़ियों की ओर आकर्षित होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि मच्छर गहरे रंग जैसे कि नीला, लाल और काले रंग की पहचान आसानी से कर लेते हैं और इन रंगों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। सबसे रोचक बात ये भी है कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से रेपेलेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे मच्छर दूर रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अट्रैक्टेंस कंपाउंड उत्पन्न करते हैं जिनसे मच्छर आकर्षित होते हैं।